रात का वक्त, सुगंधा चुपचाप बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसके आंखों से आंसू बारिश की मोटे मोटे बूंदों की तरह निकल के गिर रहे थे। और तभी रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर आता है दक्ष। दक्ष को देख के सुगंधा डर जाती है और पीछे हटने लगती है, पर दक्ष दरवाज़ा बंद करके उसके पास आता है और कहता है, डर क्यों रही हो तुम और ऐसे दूर क्यों जा रही हो मुझसे? करीब आओ, मेरे पति हूँ मैं तुम्हारा, कोई बिगड़ नहीं जाएगा कुछ पति के पास आने से। ये बोलकर वो उसके पास जाता है और सुगंधा दूर हटने लगती है, पर दक्ष उसके पैरों को पकड़ के नीचे खींच लेता है और उसकी ओर झुक के कहता है, चुपचाप ऐसे ही पड़ी रहो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना मैं ये मौका खो दूँगा। अगर ये होता है तो तुम कहीं नहीं जा पाओगी और तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई उपाय ही नहीं है तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का, क्योंकि तुम्हें ये अनजाना डोर बांध के रखेगा मेरे साथ और यही सबसे अच्छा उपाय है। यह सुनकर सुगंधा उसे धक्का देते हुए कहती है, नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्लीज़ मुझे वक्त दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। ये सुनकर दक्ष एक नज़र उसे घूरता है और कहता है, कैसा वक्त, किसका वक्त, 1 महीना काफ़ी था, अब और नहीं। ये बोलकर वो उसे लेटा देता है बिस्तर पे और उसके साड़ी का पल्लो उसके सीने से अलग करता है और उसे देखते हुए कहता है, ओह आज रात मुझे बहुत मेहनत करना है ताकि गुड न्यूज़ मिल पाए और तुम कहीं ना जा पाओ मुझे छोड़ के। ये बोलकर वो उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है और एक हाथ से उसकी साड़ी के प्लेट्स खोलने लगता है। और सुगंधा डर से कांप रही थी, उसे बहुत डर लग रहा है और उसे ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, वह यहाँ से भागना चाहती है पर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दक्ष उसे पागलों की तरह चूम रहा था, उसके बदन के हर एक कोने में चूम रहा था बहुत ही प्यार से, जैसे कि अगर ज़रा सा चोट लग जाए सुगंधा को तो सुगंधा को कुछ हो जाएगा। वो बहुत ही प्यार से सुगंधा के साथ ये सब कर रहा था। वो धीरे धीरे सुगंधा के सारे कपड़े उतार देता है और खुद के भी कपड़े उतार देता है। उसके बाद सुगंधा को अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। ये कह के वो सुगंधा के होठों पे अपना होंठ रख देता है और थोड़ी देर उसके होठों को बेइंतहा चूमने के बाद वो सुगंधा को एक नज़र देखता है। तभी सुगंधा के मुंह से एक दर्द भरा चीख निकल जाता है जो सुनकर दक्ष मुस्कुराता है और इसका मतलब वो दोनों एक हो चुके हैं। दक्ष उसे बेइंतहा प्यार करते हुए कहता है, देखो ये तो होना ही था, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वैसे भी आज के बाद तो तुम पूरी तरीके से मेरा होके रह जाओगी। ये बोलकर वो और भी रफ्तार से सुगंधा को प्यार करने लगता है। सुगंधा को दर्द बहुत हो रहा था और वो रो रही थी, हालांकि दक्ष उसके साथ उतना भी बेरहमी से नहीं पेश आ रहा है, वो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा है ताकि सुगंधा को ज़्यादा तकलीफ ना हो। वो नहीं चाहता सुगंधा को ज़रा सा भी दर्द हो, वो सुगंधा को ठीक से अपने बाहों में भरता है और कहता है, देखो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा पेन ना हो, और इसमें होता है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना तो तुम सह लो। ये सुनकर सुगंधा कहती है, आप बहुत ही बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करना है, बात मत करिए मुझसे। ये सुनकर दक्ष कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ हम दोनों एक दूसरे के मर्ज़ी से ही कर रहे हैं, और वैसे भी मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत टाइम दिया है, अब नहीं दे सकता, पति हो तुम्हारा, कब तक खुद को ऐसे रोक के रखूँगा, एक ना एक दिन तो ये होना ही था, वैसे भी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, एक पति पत्नी को पूरा
एक होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, तुम्हारी ओर मुड़ के भी नहीं देखूंगा। बस अपने औलाद से प्यार करूंगा और बाकी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। और ये तुम ही चाहती हो तो इसलिए तुम्हारा बात मानना मेरा फ़र्ज़ है, पति हूँ तुम्हारा। ये सुनकर सुगंधा कहती है, बार बार पति हूँ तुम्हारा, पति हूँ तुम्हारा, पति हूँ तुम्हारा बोलना बंद करे, मुझे दर्द हो रहा है। और नहीं प्लीज़, अब मुझे जाने दीजिए। यह सुनकर दक्ष कहता है, कहाँ जाने दूँ मैं तुम्हें, कहाँ जाने दूँ। यह सुनकर सुगंधा कहती है, बस मुझे छोड़ दे, मैं और नहीं झेल पा रहा हूँ, प्लीज़ बहुत तकलीफ़ हो रहा है मुझे। यह सुनकर दक्ष थोड़ी देर तक उसे प्यार करता है और उसके बाद उसे छोड़ देता है और कहता है, ठीक है सो जाओ अब। ये बोलकर वो उठ जाता है और अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाता है। और सुगंधा रोने लगती है। कुछ देरों तक ऐसे ही रोने के बाद वो उठ के फ्रेश होती है और बिस्तर पे लेट जाती है, और कब सो जाती है उसे खुद को ही पता नहीं चलता। दूसरी ओर दक्ष एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत सारे आदमी थे। वो उन आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, उन सबको मार दिया ना, एक भी ज़िंदा नहीं है। ये सुन के एक आदमी कहता है, नहीं बॉस, एक भी ज़िंदा नहीं है, सबको हमने मार दिया। उसकी बात सुनकर दक्ष कहता है, ओके गुड, बट मुझे उन सबका लाश देखना है, जाओ जाके लाश ले आओ। ये सुन के वो आदमी कहता है, ओके बॉस, अभी जाके लाते हैं हम, और हमें पता था आपको उनका लाश देखना ही है, तो इसलिए हमने पहले ही तैयारी करके रखा है, आप चलिए हमारे साथ, चल के देख लीजिए। यह सुन के दक्ष कहता है, ओके चलो। ये बोलकर वो चले जाते हैं एक कमरे में जहाँ पे बहुत सारे लाशों के ढेर पड़े थे। दक्ष उन सब को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है, फाइनली तुम सब मर गए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि तुम सबका लाश देख पा रहा हूँ। उफ़, कितना सुकून देता है लोगों का मौत, वो भी तड़प तड़प के मरना, यही तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। कोई मेरे सामने तड़पता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून, मैं इसी सुकून का ही तो कायल हूँ। ये बोलकर वो शैतानों की तरह हंसने लगता है और मैं और भी ज़्यादा सुकून चाहता हूँ, अब मेरे सामने उन सब को मारो तुम सब। ये बोलकर वो राजा की तरह सामने सीट पे बैठ जाता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद, किस मुश्किल में फंसी है सुगंधा, क्या वो खुद को बाहर निकाल पाएगी, और क्या करेगा दक्ष सुगंधा के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए। और मेरे प्यारे लिसनर, मेरी न्यू नॉवल टॉक्सिकल एंड नॉटी बिहेव को पढ़ना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरी व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइंट हो जाना और फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।